मजा आ गया गाइस। ये देखो क्या बात है, क्या बात है। ओ शिट, रोड पे शीशे ही शीशे हैं। और ये भाई ऑटो की हालत देखो, नहीं ऑटो है भाई, ये देख रहे हो खत्म है भाई। ये अंदर से देख रहे हो स्टेयरिंग वेयरिंग सब टूट गया हुआ है। ये देखो भाई पीछे से देख रहे हो कितनी ज्यादा ब्रॉड है ये, क्या बात है, ये देख रहे हो। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे आज के एक न्यू वीडियो में। उम्मीद करूंगा आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। सो गाइस चेक करो, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने रूम से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो गाइस अभी का सीन ये कि अभी हम जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा मोटो व्लॉग बनाने के लिए। तो गाइस अब से ना हम ना डेली व्लॉग्स वगैरह कर रहे हैं, जिसमें ना भाई बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहे हैं। तो इस एफर्ट के लिए प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ये भी बता दिया करो कि हमारा वीडियो कैसा बना होता है। तो गाइस आज का सीन ये है कि आज ना हम आपको ना एक गाड़ी दिखाने वाले हैं जो कि दुबई से इंपोर्ट होके आई है अपने जम्मू में, डॉज चैलेंजर SRT, और वो ना ओनली वन इन जम्मू है। तो वो वाली गाड़ी आज हम आपको दिखाएंगे, उसका साउंड वगैरह सुनाऊंगा और जितना होगा उस गाड़ी के बारे में आपको दिखाऊंगा। तो आई होप आपको पसंद आएगा आज वाला व्लॉग। अगर पसंद आएगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके भी बता देना हमारा आज का वीडियो कैसा बना हुआ है। एंड गाइज अभी मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल कर दिया, उन सबसे पूछ लिया कहाँ पे हो, तो वो सारे इकट्ठे होकर आ रहे हैं भाई सीधा में व्लॉग बनाने के लिए। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से और मैं मिलता हूँ आपको सीधा अपने मोटो व्लॉग के सेटअप पे गाइस। सो फाइनली गाइस अभी हम आए थे जे टाउन में, एंड गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अपने सारे लोंडे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आ चुकी है अपना हल्क, और यहाँ पे आ चुकी है अपनी Z900, यहाँ पे आ चुकी है अपनी KTM RC 200, और वहाँ पे आ चुकी है अपनी KTM RC 201, और मेहरान की, और वहाँ पे आ चुकी है अपनी R15M। तो अभी हम जा रहे हैं एक राइड के लिए, तो लेट्स सी देखो भाई आगे का क्या सीन रहता है। बाकी ये करते हैं राइड वगैरह और विलीज वगैरह भी दिखाते हैं आपको। जा रहे हैं इसको ठीक क्यों नहीं करा था भाई, मैंने बोला चल का वैसा कि तू चला ही नहीं, क्या पता यार गिराएगा तू भी, सीधा बोलता मैंने बोला चल का वैसा। अभी कौन सी साइड जाना है, नीचे वाली साइड पता नहीं भाई, जा ले जाएंगे। चलो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे देख रहे हो भाई दोनों सुपर बाइक स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से। ये देख रहे हो भाई क्या बात है, क्या बात है, देख रहे हो भाई दोनों बाइक कैसे रोड कर रही है, क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पे R15 भी आ चुकी है। हाँ खराब किस्मत, तेरा नाम है खराब किस्मत, कुछ भी कुछ भी। सो गाइस ये बाइक देख के आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मैंने यार वो वाली क्लिप नहीं डाली थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उस दिन भाई मेरा क्रैश हुआ था ऑटो के साथ, भाई ऑटो वाले ने ना अंकड़ लिया ना, सीधा जाके ना बाइक हिट हो गई, तो ये यहाँ से टूट गई थी। तो इसे पूछता हूँ भाई इसने ठीक कराया, मेरे को नहीं लगता भाई इसने ठीक कराया। ये देख रहे हो भाई, भाई उस दिन तेरी बाइक टूट गई थी, तूने अभी तक ठीक नहीं कराई ना, इंश्योरेंस पे देगा क्या, बोल रहे कितना भाई हो जाएगी ना। चल यार सॉरी यार, उस दिन मेरी गलती से तेरे वाले काम थोड़ी, 3 महीने की बाइक लगी इनको। ये देखो क्या बात है, क्या बात है। ओ शिट, मजा आ गया गाइस। ओ भाई बाहर निकल गए, क्या हुआ क्या, पता नहीं मैं उधर से आ रहा था, टूटा हुआ नहीं भाई का कुछ, बाकी ठीक है ना सब, कुछ टूटा तो नहीं है आगे कर रहा था, पता ही भाई आगे कर रहा था। चल यार यार देख रहा भाई, बेचारे की भी गलती नहीं थी, अचानक से आ गया ये तो भाई हिट हो गया यार। शिट यार बोतलें शोतलें गिर गई इसकी, ये भी गिर गया था नीचे उठाया, अभी नुकसान हो गया Z900 का भी, क्योंकि इसका है भी बड़ा अजीब सा, मैं पीछे से देख रहा हूं ना, इतना पूरा हिस्सा रेडी, ये देख यहां पे भी स्क्रैच लगे हैं, देख रहे हो गाइस यहां से इसको स्क्रैच पड़ गया हुआ है। ये तो आई थिंक पहले का ही था, बट यहां से स्क्रैच पड़ गया हुआ है यार, सीधा आगे भाजी। सो गाइस यार अच्छा हुआ यार बाइक का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो यार इसकी ना जो बिल्ड क्वालिटी है ना बहुत खतरनाक है यार Z900 की, कुछ भी नहीं हुआ भाई, अचानक से रेडी वाला आया ना, इतनी जोर से हिट हुआ ना यार, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे सामने हिट हुआ है, बट बाइक को कुछ नहीं हुआ, बच गया, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह आया। नेक बाइक का ये फायदा कि भाई अगर उसको बच भी जाती है ना खुदा ना खास्ता, उसको कुछ होता नहीं है यार। ये देख रहे हो बस यहाँ से इसको स्क्रैच आया और यहाँ से एक नट निकल गया था, बाकी अभी बाइक को कुछ भी नहीं हुआ। बाकी एक बार Z900 देखो सामने से, क्या बात है, कितनी प्यारी लग रही है, फिर देख रहे हो भाई कितना प्यारा है।
तो चलो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं भाई आगे का क्या सीन रहता है। A few moments later. गाइस देख रहे हो गाड़ी कौन सी लगी है, एक बार गाड़ी की लुक देखो भाई। ओहो दुबई इम्पोर्टेड, क्या बात है। गाड़ी देख रहे हो भाई, क्या यार सामने से अलग ही लगती है यार ये। देख रहे हो भाई डॉज चैलेंजर SRT, क्या बात है। सो गाइस ये चेक करो अभी यहाँ पे भाई गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है डॉज चैलेंजर। इन्होंने ना इसका ना एग्जॉस्ट नोड ना एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है ना वो कम रखी है मेरे ख्याल से, इसका ना जो एग्जॉस्ट है इन्होंने बंद किया हुआ है। वैसे तो ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा लाउड है यार, ये देख रहे हो भाई ये चेक करो, अभी थोड़ी बहुत साउंड आ रही होगी, इन्जॉय करो। ये देख रहे हो भाई प्यारी आवाज़ है यार इसकी भी, ये चेक करो भाई बहुत ही खतरनाक गाड़ी है यार, बहुत प्यारी लुक आती है पीछे से भी, ऐसे लग रहा है मस्टैंग है। देख रहे हो भाई गाड़ी की पीछे से लुक, दुबई नंबर प्लेट लगी हुई है, तो जो भी पैसे ना भाई इस नंबर प्लेट के ही है। ये देख रहे हो भाई दुबई नंबर प्लेट लगी है ना तो लगी गाड़ी लगती है भाई, ये सारे पैसे भाई इसी चीज़ के हैं। पीछे से देख रहे हो कितनी ज़्यादा ब्रॉड है ये, क्या बात है ये देख रहे हो। A few inches later. जो भी ऑटो है, ऑटो में ये है। हाँ, ऑटो ड्राइवर बना है। ये ड्राइवर है। ड्राइवर है तो आगे आगे आगे। ठीक है, लगी तो नहीं जा रही। आगे कटिंग उठाओ उठाओ उठाओ। लाख पकड़ लाख लाख। स्कूटी आगे लाख। बोली कर बेचे हैं। आओ आओ आओ। ओ ओ ओ ओ। नहीं गिरता हम गिरते। ये कोई तो मेट्रो वाला नीचे है वहाँ पर जिसको पकड़ा हुआ है वही ठोक कर गया, शराब पी कर वही वहाँ उसी नहीं मतलब पहले भी बोल रहे कि पीछे से ही वो थोड़ा शराब पी कर पता नहीं टांग का बहुत ये ऑटो में था ड्राइवर का यार। ये देख रहे हो रोड पे शीशे शीशे हैं और ये भाई ऑटो की हालत देखो, नया ऑटो है भाई ये देख रहे हो, खत्म है भाई ये अंदर से देख रहे हो, स्टेयरिंग वेयरिंग सब टूट गया हुआ है। ये देखो भाई ये देख रहे हो भाई इसका बचा ही नहीं है कुछ, देख रहा है हाथ मत लगा हाथ आगे रोक गया मेटाडोर उन्होंने एक बस वाले को रोका है पड़ा था उसको टांग में लगी थी उसको उठा के अभी गाड़ी में लेके पुलिस आई थी। सो फाइनली गाइस अभी आपका भाई आ चुका था घर पे, एंड गाइस मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि आज मेरे साथ सीन क्या हुआ। गाइस मैं ना आज ना आधे से ज्यादा व्लॉग ही नहीं शूट करके आ सका बिकॉज यार मेरे साथ ना इतना गंदा सीन हो गया था, तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ सबसे पहले, तो ये देखो। तो गाइस ये देखो भाई ये तार जैसी, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ ये तार जैसी है क्या, ये है भाई अपना माइक जो GoPro के साथ मैंने लगाया होता है। तो यार ये माइक ना मेरे से टूट गया आज और मैं ना आधे से ज्यादा व्लॉग ही नहीं शूट करके आ पाया। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये टूटा कैसे। तो गाइस मैं ना आप लोगों को गाड़ी दिखा रहा था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई अपने जम्मू में ना एक गाड़ी आई हुई है दुबई से इंपोर्ट हो गए डॉज चैलेंजर SRT। फिर जैसे हम वहां से निकले ना बाइक पे, मैं जैसे बैठा ना बाइक के पता नहीं कौन से हिस्से में मेरी माइक फंसी, माइक की भाई टूट के बाहर निकल गई और आगे की जितनी भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी ना उस सारी वीडियो में आवाज वगैरह कुछ भी नहीं आई है। और जैसे मैं घर आया ना आते मैं सो गया और मैंने यार व्लॉग को एंड भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले व्लॉग को एंड कर देते हैं। तो चलो यार आज की वीडियो को यहाँ पे एंड कर देते हैं, होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करके बताना हमारा आज के वीडियो कैसा बना था। मिलता हूँ एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बाय गाइस।